नमस्कार, अपना पंचायत देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के भिटवा भदावल गांव में रहने वाले दुठे सगे भाई के नासिक में मौत हो गई है। सब उनके गांव में पहुंचा तब परिवार में मातम छाएगा। दुरहों भाई कंपनी में मजदूरी कई के अपने परिवार के जीवन यापन करत रहे। उनकर मौत गैस सिलेंडर ब्लास्ट होए से भय रही। परिवार के लगे इतना पैसा नहीं रहा के सब का घर ले आमा। कैसनों के रिश्तेदारी चंदा इकट्ठा कर इन पे न कंपनी मानवता दिखाई न मकान मालिक। एकर जानकारी जब अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के भय था मौका में पहुँच के परिवार के आर्थिक मदद करीन और हर संभव मदद कर आश्वासन दी। नमा हमारे गरीब परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। एक वृद्ध बाप के बुढ़ापे की लाठी, एक माँ का सहारा चला गया है। जिस बात के लिए हम और हमारे युवा साथी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं अगस्त क्रांति के माध्यम से, कि ऐसे युवा जो दिल्ली बॉम्बे पंजाब गुजरात जाके प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और हर महीने 10 से 15 तारीख को घर वालों को चिंता लगी रहती है कि पैसा आए तो घर का राशन आए, बच्चों के लिए कपड़े आए, माँ की दवाई आए, बाप की व्यवस्था हो। और जब इस तरह की घटना हो जाती है उसके बाद अंधेरा छा जाता है। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कौन ऐसा सोचेगा कि कल के बाद घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बूढ़ी माँ की दवाई कैसे आएगी, बाप को सहारा कौन देगा। ये हमारे दो भाई नासिक में काम करते थे। जिला मां नगर सैनिक पुलिस कर्मी के कंधा से कंधा मिलाए के दिन रात ड्यूटी करत हम पे उनका आजो न तो हुआ सम्मान मिले न सुविधा। कमांडेंट के इशारा में एक थे अरुणेश उपाध्याय के नाम के सैनिक जौन अधिकारी के दलाली करत हवे वह वसूली करत हवे। ऐसा एक थे मामला सौहे आबा हवे जहां रीवा में सैनिक जग जाहिर साहू बताएं कि उ दुई बेर की सड़क दुर्घटना के शिकार हो चुके हम। ओके बाद कमांडेंट अजय सिंह कश्यप उनसे ड्राइवरी के काम लेत हम। क्या नाम है आपका? सैनिक जग जाहिर साहू। किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा विभाग के द्वारा? हाँ सर, ये हमको खुद ही तकलीफ रहती है। हम दो बार एक्सीडेंट भी हो तब भी गाड़ी चलवाते हैं। ठीक है, मैं चलाता हूँ, भर्ती तो ड्राइवरी में नहीं हुआ, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अति हो गई। वहाँ 3,000 रुपये महीने प्रति सैनिक से लिया जाता है, 2,500 पोस्टिंग का 500 रुपये वो लेबर का लेते हैं, नहीं तो फटिक करो। महिला थाने से 1,000 रुपये लेते हैं, बदली नहीं होती। जो पैसे 3,000 दे रहे हैं गोविंदगढ़ थाने की नहीं हो रही, तमरा में हैं। कई जगह ऐसे सैनिक है जिनकी वापसी नहीं हो रही। अभी माइनिंग में राजकुमार वर्मा है कलेक्ट्रेट में, पूछिए, एक एक ट्रक इनसे गिट्टी गिरवाई गई है, फिर उनको भेजा गया है माइनिंग में, नकदी भी 2,000 रुपये लिए गए। कौन ये ले रहा है? ये जिला सेनानी है, उनसे किरण विनोद सैनिक है, ऑफिस में रखते हैं, उनके माध्यम से लेते हैं, वसूली करवा रहे हैं। पहले अपूर्व शुक्ला डिविजनल कमांडेंट थे तो सैनिकों से पैसा नहीं लेते थे, वो सुनते थे, लेकिन अब जो महिला आई हैं डिविजनल कमांडेंट तो वो चुनाव में लड़के थे, उनसे भी पैसे बोली हैं कि 2 महीने का हमको पैसा दो महीने से नहीं मिला, तो अब कहाँ आपत्ति सुनाए। अपूर्व शुक्ला होते तो उनसे हाथ जोड़ते, ये खुद महीना ले रही। ये कि वो भग गया जो अरुणेश उपाध्याय, ये वसूली में ही रहते हैं, इनसे वो खुद इनके सामने डिस्ट्रिक्ट कमांड बोलता था पीसी ध्रुवे को की दलाली करते हैं। जी जी, अपराय चुनाव ड्यूटी में एसपी साहब बोले थे कि जो जजों के यहाँ सैनिक लगे हैं उनकी ना लगाना। के द्वारा वसूली की जाती है, इनको पदस्थापना के रूप में पैसे लिए जाते हैं। किसके? ये सैनिक हैं आपके। कौन सैनिक? जग जाहिर साहूर है, कुछ और लोग कलेक्ट्रेट में सर्विस ड्यूटी करते हैं। तो इनका कहना है कि पदस्थापना के लिए पैसे लिए जाते हैं, अगर नहीं दिया जाता तो प्रताड़ित किया जाता है। तो कुछ सर आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है, हम पता लगा लेते हैं, पता लगा लेंगे। ये बताएं कि अरुणेश उपाध्याय कोई ये सैनिक है, ये प्रताड़ित करता है, वसूली करता है आपके नाम से, कमांडेंट मैडम और डिविजनल कमांडेंट भी पैसे लेती है इसके बाद? ये सब गलत है, पता लगा लूंगा मैं, ठीक है। ये क्यों ऐसा कह रहे होंगे सर, कारण क्या होगा? अनुशासन तो पता लगा लेंगे भाई, आमने सामने बात कर लेंगे, कोई वो नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब सर, आपके विभाग में अनुशासन रहता है, पुलिस में इसके बाद? अरे तो अनुशासन रहता है तो आप कह रहे हैं तो मैं जानकारी लेऊंगा कौन कह रहा है, किसको कह रहे हैं। अच्छा, पता लगाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सर कुछ ऐसा होता है तो कुछ कार्यवाही करेंगे, अगर वसूली की जाती है और कुछ कार्रवाई होगी पता लगाएंगे जी। आप पता लगाएंगे, कोई ऐसा वो नहीं।
ठीक है सर। मामला रीवा के नेहरू नगर विद्युत मंडल कार्यालय ग्रामीण शाखा किया, जहां उपभोक्ता अभिलाष शुक्ला अपने मसाला उद्योग में ट्रांसफार्मर लगवावे खातिर 2,30,000 और 80,000 रुपया बिजली के कनेक्शन खातिर जमा करे रहे, पर आज तक न तो कनेक्शन भा और न ट्रांसफार्मर ला। जब उपभोक्ता एक शिकायत सीएम हेल्पलाइन ऊर्जा मंत्री से लेके विद्युत विभाग के अधिकारी से करीन, तो ठेकेदार अविनाश शुक्ला आपन आपा खोए दिन और सगले विभागीय राज के पोल खोल दिन हम, जेका मीडिया अपने कैमरा में कैद कर लिहीन। आज की डेट में कंपलसरी है, आदमी का आधा काम चलता है फोन से, कामो चलाते बहुत काम फालतू हो जा, परेशान कर दे सब का है भैया के का पैसा आ जा दिए का है भैया। अरे भैया काम नहीं अरजान भैया, अपने आप परच गए रहे। कैसे क्या हुआ था? ऐसे क्या होता है, एक गलती ही में एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट के हिसाब से भैया ने सही पैसा दिया है, पर अगर यही काम दूसरे प्राइवेट से करवाते या किसी भी आदमी से संस्था से करवाते तो एग्जैक्ट उतना ही रुपये लगता है, बिल्कुल फिक्स रुपये, उसमें एक रुपये कम नहीं होता अगर MPEB से करवाते। उन्होंने अब ये गए, इनको नॉलेज भी नहीं था, इनकी गलती नहीं, जहाँ बिना गलती के जब आदमी पहुँच जाता है तो अधिकारी फिर दबा देते हैं। इनसे सैलेन कोई है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनसे उनकी मुलाकात हुई होगी, बातचीत हुई होगी, इन्होंने पैसा, अब वो तो अपने खाते में पैसे डलवा नहीं सकते सरकारी लोग, उन्होंने हमारा, हम क्योंकि डेली के कॉन्ट्रेक्टर है, वहाँ हमारा जीवन यापन होता है, वहाँ से रोजी रोटी चलती है, उन्होंने हमारा नाम ले लिया होगा कि अविनाश के अकाउंट में डलवा लेना और फिर मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी जब कोई कट जाता है तो आप अपने लेन देन चलता रहता है। त्रिस्तरीय और नगरीय चुनाव संपन्न होए के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष उप सरपंच बनावे खातिर पार्षद और सदस्य के खरीदी बिक्री के खेल शुरू हबे, अब पार्षद पार्टी में शामिल होए के खंडन करत लागमा। ऐसा एक मामला नईगढ़ी नगर पंचायत से समूह आवा हबे, जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद छविलाल प्रजापति भाजपा में शामिल होए के फैली अफवाह के खंडन करीन हम। नगर परिषद नईगढ़ी में आबे वाले 6 अगस्त का अध्यक्ष पद खातिर निर्वाचन हुई, नईगढ़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 3 से आम आदमी पार्टी के पार्षद छविलाल प्रजापति कहीं के उ आम आदमी पार्टी के सिपाही आई और अंतिम सांस तक आम आदमी पार्टी के सिपाही रही हैं। हम आम आदमी पार्टी के नेता हूं, हम उससे निर्वाचित हुआ हूं, हम उसी में, हम अपना उसी का सिपाही हूं और उसी में रहकर अपना हम काम करना चाहता हूं। हम कोई नहीं जो ये आया है, ये सब गलत है, हम इसको हम खंडित करते हैं, हम इसके उम्र नहीं है, हम जहां का सिपाही हम बनाया गया है हम वहां का सिपाही रहेंगे और अपने हम जनता का काम करेंगे, और हम ये आगे हमका कुछ नहीं, हम यहाँ से हमको मिलने के बहाने यहाँ से भैया कहेंगे चला चली रीवा, हम वहाँ से गए या कुछ राय सुमेरी नहीं, अब वहाँ हम जाते हुए वहाँ हम खड़ा करके और माला डाल के फोटो उतारा गया, जो ये गलत है, हम उनठे ही बात किया कि ये सब काम हमारे साथ गलत है, लेकिन उसका कोई नहीं है, जो है तो एक इसको हम अपने उसे खंडित करता हूँ, हम जहाँ का सिपाही हूँ हम वहाँ रहेंगे और वहाँ पर हम काम करेंगे, हम अपने आम आदमी पार्टी के पक्का भक्त हूँ। भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति रीवा के द्वारा आचार्य बालकृष्ण महाराज के जन्मदिन खुशी के साथ मनावा गया है। बतावा जाता है कि आचार्य बालकृष्ण महाराज के जन्मदिन 4 अगस्त का पूरे देश में भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनावा जाता है। एक कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारत स्वाभिमान के रीवा जिला के प्रभारी DL सिंह, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी रामाधार विश्वकर्मा, युवा भारत प्रभारी मध्य प्रदेश और सोशल मीडिया प्रभारी गीता पांडे, सुची त्रिपाठी और पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के सगले पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज परम श्रद्धे आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज का अवतरण दिवस, उनके अवतरण दिवस में हम सब
पतंजलि परिवार के भक्त और श्रद्धालु जड़ी बूटी दिवस के रूप में औषधि वृक्षों का रोपण कर उनके जीवन को और उन्नत बनाने के लिए, दीर्घायु बनाने की कामना करते हुए इस 4 अगस्त को जड़ी बूटी के रूप में मनाकर हम पतंजलि परिवार के सभी श्रद्धालु उनके इस पतंजलि परिवार को दिन प्रतिदिन 100 गुनी वृद्धि होती रहे ऐसा भाव करते हुए इस कार्यक्रम को हम संपन्न किए हैं। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।